हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग खेलेंगे टेल ऑन फ्लेम के साथ, जिसे आप लोग बर्ड भी बोल सकते हैं। तो लेट्स डू दिस। तो गाइस, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल हो कि अपने पोकेमोन के लेवल को जल्दी इंक्रीज कैसे करें। तो देखो गाइस, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको इस मिडिल वाइल्ड पोकेमोन को मारना है। इसे मारने से आपका पोकेमोन डायरेक्ट लेवल 3 हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है अपने टीममेट्स के साथ, और जो भी वाइल्ड पोकेमोन आपके सामने आता है ना, उसे मारना है। तो गाइज, मैप में ये जो येलो डॉट्स है ना, ये वाइल्ड पोकेमोन्स के लोकेशन है। तो इनको देखकर आप वाइल्ड पोकेमोन्स के पास जा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ देखा, तो मैं इसे मार रहा हूँ। तो लेवल 4 हो चुका हूँ मैं, अब इसे भी मारेंगे। स्टार्टिंग में लेवल अप करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि 2 से 3 मिनट के अंदर आप लेवल 7 हो जाएंगे। और अगर एक बार आप लेवल 7 हो जाता है ना, तो उसके बाद आपका डैमेज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, प्लस आपके स्पेशल अटैक्स भी खुल जाते हैं अच्छे वाले। तो मिडिल में तो कोई नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमें अपोनेंट के बेस में जाना पड़ेगा। 1 सेकेंड, वाइल्ड पोकेमॉन आ चुके हैं। चलो लेवल 6 में हो जाऊंगा। इसको मारने के बाद शायद, नहीं यार, लेवल तो मेरा हल्का सा भी इंक्रीज नहीं हुआ, या थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा। कोई नहीं, इसे मारते हैं। हम अपने SP2 को जल्दी यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि जस्ट इन केस अगर कोई एनिमी आ जाता है ना, तो काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, हम भाग नहीं पाएंगे। और मरना अवॉइड करना है गाइज इस गेम के अंदर आपको, अगर आप एक बिगिनर है तो। बट अगर आप एक प्रो है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। तो ठीक है गाइस, हम लोग लेवल 6 हो चुके हैं, और क्योंकि मेरे पास 30 पॉइंट्स है, तो मेरे हिसाब से मुझे सबसे पहले गोल करना चाहिए। और क्योंकि मैं गोल गेटर यूज कर रहा हूँ, तो मैं काफी जल्दी गोल कर लूंगा। जैसा कि आपने देखा गाइस, अपोनेंट्स ने मुझे देख लिया था, वो छुपे हुए थे, लेकिन क्योंकि हम गोल गेटर यूज कर रहे थे, तो हम बच गए। और अपने स्पेशल 2 के कारण भी हम बच गए, तो हम उन दोनों को चकमा दे दिए। अब हम थोड़ा अपने बेस पे चले जाते हैं इन वाइल्ड पोकेमोन्स को मारने के लिए। तो अब हम लेवल 7 हो चुके हैं। तो लेवल 7 होने में मुझे गाइस 2 मिनट 30 सेकेंड्स लगे, आपको 3 मिनट भी लग सकते हैं अगर आप मर जाते हैं तो। बट अगर आप भी ऐसे ही खेलते हैं ना, तो 2 मिनट 30 सेकेंड्स के अंदर आप भी लेवल 7 हो जाएंगे। अब क्योंकि मैं लेवल 7 हो चुका हूं, तो अब मैं गायब हो सकता हूं, है ना, 4 to 5 सेकेंड्स के लिए। और कहीं पे भी मैं अपने SP2 को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं SP2 को यूज कर लेता हूं और कोई एनिमी आ जाता है, तो मैं वहां से भाग नहीं पाऊंगा। लेवल 8 हो चुका हूं मैं, और मेरे अपोनेंट्स अभी भी लेवल 6 हैं। क्या बात है यार, मेरा एक टीममेट भी लेवल 7 हो चुका है, और एक लेवल 8 भी हो गया, काफी अच्छा है। तो जनरली गाइज, मैं ऐसे अपोनेंट के बेस में ज्यादा नहीं हूँ, खासकर जब अपोनेंट वहां पे हो, क्योंकि बर्ड का हेल्थ काफी ज्यादा कम है। बट क्योंकि मेरे टीममेट्स यहीं पे हैं, इसलिए मैंने रिस्क लिया। और इसे भी हमने काफी जल्दी मार दिया। तो अपोनेंट आ रहे गाइज, मैंने मैप में देख लिया था। चलो वो भाग गया, वो स्मार्ट था, अगर वो भागता नहीं तो वो भी मर जाता। 22 पॉइंट्स, अब इसे मारते हैं। तो एनिमी आ चुका है, हम इसे मारना चाहते थे, बट मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि वहां पे पिकाचू आ चुका था और हम डेड हो जाते। अगर मेरे टीममेट्स वहां पे होते ना गाइज, तो मैं फाइट ले लेता, बट वहां पे कोई नहीं था, इसलिए मैं वहां से भाग गया, इसलिए हम वहां से निकल गए। और इसको मारने के बाद आई थिंक हम लेवल 10 हो जाएंगे। तो पिकाचू आ चुका है, अरे इसको हम देखे नहीं मैप में, ठीक है कोई बात नहीं, ये क्लोज वन था, मेरा लक अच्छा था, नहीं तो हम वहां पे डेड हो सकते थे। ये देखो, सिंडरेंस की सबसे बड़ी गलती, सिंडरेंस को अकेले कभी भी भागना नहीं चाहिए। अरे यार बच गया, काफी क्लोज वन था।
बट अब ये डेड हो जाएगा। ओहो काफी क्लोज वन। देखो गाइस इससे बोलते गोल गेटर का फायदा, तो एनिमी यहीं पे छुपा हुआ था बट क्योंकि मैंने गोल गेटर यूज किया इसलिए मैं बच गया। अरे भाई साहब ये पिकाचू तो पीछे पड़ गया, क्या बात है, बहुत अच्छा डैमेज दे रहा है। हम डेड हो जाता अगर मेरे पास एसपी टू नहीं होता तो। चलो कोई नहीं इसे मारते हैं। अभी भी 4.5 मिनट है मेरे पास, तो जब 2 मिनट रहेंगे ना गाइस तो मुझे एक गोल करना होगा। इन दोनों का लक बहुत ही ज्यादा खराब था और सिंडरेंस का भी लक बहुत ही ज्यादा खराब है। ये बैटल मुझे ऐसा लगता है ना गाइस कि हम काफी इजीली जीत जाएंगे क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं खेलता है। चलो हो गया, इसे भी मार ही देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मारे गए। तो जब आपका लक खराब होता है तो आप बच जाते हैं। ये काफी क्लोज वन था। पिकाचू को लगा ये मुझे ओवर स्मार्ट कर लेगा। पिकाचू ऑलमोस्ट हमको मार ही दिया था बट हम बच गए। यार पिकाचू तो हाथ धो के पीछे पड़ गया, ऐसा लगता है ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मारते हैं चलो इसे। अरे नहीं 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 नहीं, बच गए बच गए। हम उन दोनों को देखे नहीं थे। तो लेवल 13 हो चुका हूं मैं। अरे मार दिया। हमको बेस में जाना होगा फुल हील करने के लिए। अरे यार अब चलते हैं, तो ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। सेकेंड्स, तो जितने ज्यादा हो सके उतने पॉइंट्स अभी कलेक्ट करेंगे हम। अरे यार मार दिया, क्या बात है यार, मेरा टीममेट्स तो बहुत अच्छा खेल रहा है। चलो चलो गोल कर लेते हैं पहले, इसे भी मार ही देते हैं। चलो चलते हैं अब। तो मुझे लगता है ना गाइस कि मैं यहाँ पे गोल नहीं कर पाऊंगा इसलिए मैं मिडिल में चला जाता हूँ। तो हम यहाँ से निकलते हैं। अरे यार ये क्लोज वन था। अब मुझे पता है गाइस कि आप लोग बोलेंगे कि मैंने उसकी हेल्प क्यों नहीं की उसे मारने में। तो देखो गाइस वो बंदा अपने बेस पे था ठीक है, और वहाँ उससे बैटल करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की था क्योंकि वहाँ पे कोई भी बंदा जंप करके आ सकता था। और अभी 2 मिनट बचे हुए हैं और अगर अभी आप मर जाते हैं ना तो 15 से 20 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। अरे नहीं यार हम थोड़ा सा लेट हो गए, एक दो लोगों को तो मार ही सकते हैं। चलो कोई नहीं, पिकाचू को मार दिए और किसी को मार नहीं पाएंगे। अब जल्दी से चलते गोल करने के लिए क्योंकि अगर वो लोग बेस पे आ गए तो दिक्कत हो सकती है। चलो अच्छा हुआ कोई नहीं आया। तो उम्मीद तो है गाइस कि हम लोग जीत चुके हैं ये बैटल। तो ये बैटल गाइस थोड़ा सा क्लोज हो गया, अगर हम लोग जयपॉट को मार देते ना तो काफी इजीली जीत सकते थे बट अनफॉर्चुनेटली जयपॉट को मार नहीं पाए। अगर हम 5 सेकंड पहले पहुंचते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गोल मारे हैं लास्ट टाइम में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट है कि हम लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अरे छोड़ो यार इसको, ये तो मरने से रही। अरे यार किस्मत खराब है, निकल गए वो लोग।
और भाग के हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर ये गोलम कर लेते तो 40 पॉइंट्स हो जाते। चलो गाइस रिजल्ट देख लेते हैं। प्लीज यार जीत गए हो। अरे यार यार मेरा किस्मत ही खराब है, 120 पॉइंट्स से हम लोग हार गए। चलो गाइस कोई बात नहीं, जीतना हारना लगा हो रहा था। अब हम लोग हमेशा तो जीत नहीं सकते ना, बट प्रीवियस बैटल्स गाइस बहुत ही अच्छे हुए थे, हम बस उनको रिकॉर्ड नहीं किए थे, नहीं तो हम उसी को अपलोड करते। आपको यकीन नहीं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप यहाँ प्रोफाइल में देख सकते हैं बैटल रिकॉर्ड, देखिए गाइस 180 में जीते हैं, 210 में जीते हैं, 180 में हार गए थे, फिर जीते हारे जीते हारे हारे जीते जीते। तो बर्ड के साथ एक्चुअली काफी अच्छा खेल रहे हैं हम रिसेंटली। तो ठीक है गाइस आज की वीडियो को तब यहीं बैंड करते हैं, फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।